मित्रों, तो जैसा कि आप जानते हैं एमपीएसआई के कल यानी 26 तारीख से पेपर स्टार्ट हो चुके हैं और अब आपको देखना है कि पेपर करते समय या पेपर के जाने से पहले आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आपको जो मैं जानकारी दूंगा बिल्कुल क्लियर जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, पहले तो मैं बताना चाहूंगा जीएस की दुनिया चैनल का नाम स्टडी गुरु जी हो गया, इसलिए आप अपने सभी फ्रेंड्स में जानकारी को शेयर जरूर करें। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्टडी गुरु जी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और इसी के साथ साथ यदि आपको रिव्यू चाहिए या और आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से क्वेश्चंस बता सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां भी जाके जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से बता सकते हैं, फेसबुक पेज के माध्यम से बता सकते हैं, वहां पे मैसेज का ऑप्शन आता है, आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और यदि आपको लिंक नहीं मिल पा रही है तो आप डायरेक्ट वहां पे जाके सर्च भी कर सकते हैं जीएस की दुनिया, उससे जीएस की दुनिया या फिर स्टडी गुरुजी पूरा जीएस की दुनिया आपको दिख जाएगा, आप वहां पे जाके भी डायरेक्ट बता सकते हैं। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूँगा क्वेश्चंस की मात्रा लाने की, और आप और थोड़े क्वेश्चंस मिला देंगे और पूरे भी क्वेश्चंस मिला देंगे तो और ज़्यादा सहायता हो जाएगी। तो मित्रों, मैं बस यही चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी सबको बताएं। और अब अपन चर्चा कर लेते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर में गए उसके बाद पेपर कैसे करना है, क्या क्या ले जाना है, कैसे स्ट्रेटजी पूरी अपनानी है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मित्रों आधार कार्ड ज़रूर ले जाना, जो भी आप आईडी प्रूफ ले जा रहे हैं उसके संग में आधार कार्ड ज़रूर ले जाएँ, क्योंकि थंब इम्प्रेशन होगा और थंब इम्प्रेशन होगा तो आधार कार्ड तो चाहिए। और यदि बाय द केस आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड पे जो नंबर लिखा रहता है वो कोई भी पेज पे लिख के जरूर ले जाएं। और उसके संग में आधार कार्ड के संग में आईडी प्रूफ आप कुछ भी ले जा सकते हैं, अपनी 10th 12th की मार्कशीट भी ले जा सकते हैं यदि कोई भी आप पे आईडी प्रूफ नहीं है। ये तो पूरी चर्चा हो गई आईडी प्रूफ की। अब मित्रों बात करते हैं कि कुछ व्यक्ति कहते हैं कि एग्ज़ाम के लास्ट टाइम तक पढ़ना चाहिए, कुछ व्यक्ति कहते हैं कि एग्ज़ाम के दो दिन पहले तक पढ़ना ही नहीं चाहिए। वो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी राय दे दी है और मैं उनकी राय का सम्मान भी करता हूँ, पर मेरा कहना यह है मित्रों, जैसा व्यक्ति का माइंड सेट होता है वो उसी अनुसार पढ़ता है। यदि आपके माइंड में बैठ गया, माइंड में सेट हो गया कि मैं 2 दिन तक नहीं पढ़ूंगा तो आप जितना भी पढ़ लोगे ना, आप कोई भी आपके मतलब समझ में ही नहीं आएगी बात। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में सेट हो गया। और यदि आपके माइंड में सेट हो गया कि मैं पेपर के 1 मिनट पहले तक भी पढ़ूंगा तो आप 1 मिनट तक भी पहले पढ़ोगे वो भी आपको जानकारी याद रहेगी। तो ये पूरा सब माइंड सेट के अनुसार होता है। अब मित्रों चर्चा कर लेते हैं, जैसे पेपर में आप बैठे तो सबसे पहले किस टॉपिक को उठाएं? पेपर में सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक को उठाएं और उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करें। स्ट्रॉन्ग प्लस स्मार्ट दोनों को आप मिक्सअप करेंगे तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। अब देखिए स्मार्ट वर्क कैसे, आप उस टॉपिक को पहले उठाएं जो आपका स्ट्रॉन्ग भी हो और समय की भी बचत करें, क्योंकि कॉम्पिटिशन का ज़माना है, आपको समय की बचत के साथ साथ पेपर को भी पूरा सॉल्व करना होगा। इसलिए बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी करें पूरा अपना कॉन्फिडेंस के साथ करें। अब एक चीज़ होती है कॉन्फिडेंस और दूसरी चीज़ होती है ओवर कॉन्फिडेंस। ये ज़रूर देखना कि कॉन्फिडेंस आपका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाए। अब ये कैसे होगा, जैसे पेपर में कोई आसान क्वेश्चन आ गया बहुत ही लो लेवल का, बहुत ही ज़्यादा लो लेवल का, अब आप क्या सोचोगे कि जो एग्जामिनर है उसने कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगाया होगा, सब स्टूडेंट गलत करेंगे पर मैं सही करूँगा इसको, और उस क्वेश्चन में आप अपनी बहुत ज़्यादा समय भी बर्बाद कर दोगे। क्यों? ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपको लगेगा कि इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है या कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा सोचने की क्षमता है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। नॉर्मली आप तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाओ और पेपर को करो। मित्रों मैं बस यही करना चाहूँगा, मैं आशा हूँ कि आपको ये पूरी जानकारी बहुत अच्छी लगी और कल के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा मैं सभी स्टूडेंट्स को। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से जरूर बताएं, और कोई क्वेरी या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर पूछें, मैं जल्द से जल्द आपका रिप्लाई दूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।